अज जी प्रैस कॉन्फ्रेंस इस करके की है 34 साल हो गए ने 1984 का कतलेआम होया सी 1986 जिहड़े परिवार पंजाब विच जुड़ के आ गए सन दिल्लियों कानपुर बुखारा तो सारे हिंदुस्तान तो अज 34 साल बाद जो सरकार बनी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी ये लुधियाने दे विच तकरीबन 10,000 रैड कार्ड बने नवें लाल कार्ड बने सन रैड कार्ड उन्होंने लाल कार्डा इनकुआरी करके बगैर किसी वजह दे इन्होंने तकरीबन 170 लाल कार्ड कैंसल कर दते ने उन्होंने परिवारों नोटिस जारी कर दते ने कि सानू 2-2 लाख की ग्रांट वापस दो तो जो तुम मकान दिते मकान खाली करो जो तुम कारोबार वास्ते बूथ दिते ने 8x10 का बूथ छोटा जहा वह भी सानू वापस दो ये बहुत बड़ा जुलम है 1984 के कतलेआम पीड़ित परिवारों के नाल ये बहुत बड़ा धक्का है पहला दिल्ली के राजीव गांधी के इशारे से सोनिया गांधी के इशारे से सानू लुटिया मारिया कुटिया 10,000 सिखां दा कतलेआम किया गया लोगों दी प्रॉपर्टियां सड़ के सुआह कर दित्ती गईआं लोगों नाल रेप होए अज कैप्टन सरकार बदले की भावना नाल सानू तंग परेशान कर रही है सानू नोटिस जारी कर रही है असीं इह कतई बर्दाश्त नहीं करांगे असीं जिहड़ी लड़ाई है जिहड़ी है लड़ांगे तो जिहड़े साडे परिवार ने असीं इहनां दा कोई नुकसान नहीं होंदेआंगे तो जदों कैप्टन साहब इत्थे आउणगे शाहकोट इलैक्शन दे विच उहदा असीं पूरा जिहड़ा विरोध करांगे तो असीं जिहड़ा आपां इंसाफ की मंग करांगे साडा अज सानू नोटिस आए है 17 तरीक नू इन्होंने एक एफीडेविट फाइल किया है कोर्ट के विच कि जेडे 135 लोगों का इन्हों दे दिता वैसे 170 लोग है इन्हों दे एक रैड कार्ड कैंसल हो गए और उस तो बाद हुण लगातार लोगों को चिट्ठियां आ रही भाई तुसी अपने रैड कार्ड भी इतने जमा करो 2 लाख की ग्रांट भी वापस करो और इन्हों को मकान भी खोए जा रहे हैं बूथ भी खोए जा रहे हैं मैं कैप्टन सरकार ने यह कहना चाहती हाँ भाई ये किसी भुलेखे भी ना रोए असी इस लड़ाई में इस हद तक लड़ांगे असी अपने मरण में भी तैयार हाँ अपने परिवार खत्म करने भी तैयार हाँ क्योंकि सानू 34 साल हो गए असी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हाँ असी कोई इंसान वाली जिंदगी नहीं जी रहे जेकर अज सानू कैप्टन सरकार अपने अफसर के हथों जलील करवा करवा के मार रहा सानू अपने हाथी सिलफास दियां गोलियां देवे साडे लोग खाण नू तैयार हन असी मरण नू तैयार हाँ जेकर ये तुरंत कार्ड बहाल नहीं किए जाते ये नोटिस रोके नहीं जाते उस तो बाद असी अगला जिहड़ा प्रोग्राम है पूरे पंजाब की मीटिंग बुला के अगला प्रोग्राम उलीकांगे असी देखो कोई भी हर एक दिन एक बीबी चढ़ी ओदी कोठी दे अगे जाके अपने आप नू अग लगा के सड़ेगी सलफास खा के मरेगी किसी थां ते भी असी कुछ भी कर सकते हैं असी किसी पासे भी पिछे नहीं हटांगे असी अपने लोगों नू इंसाफ दवावांगे इत्थे शाहकोट दी जिहड़ी चोण हो रही है इलैक्शन हो रही है असी इहदे विच जदों भी कैप्टन साहब इत्थे आणगे असी इन्हां दा विरोध करांगे इन्हां नू काले झंडे दिखावांगे और इन्हां कोलों मंग करांगे कि कैप्टन साहब सानू इस तरह तिल तिल करके ना मरवाओ जलील करके ना मरवाओ अपने हत्थी सलफास दीआं गोलियां लिया के लोगों को दियो तो सानू इत्थे खत्म कर दो क्यों ये विधवा जनानियां इन्हां दे विच हुण ओह शक्ति नहीं रही 34 साल हो गए इन्हां नू रोंदियां नू पिटदियां नू करलांदियां नू अज इन्हां विच ओह शक्ति नहीं आ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੱਤਾਂ ਖੋ ਲਵੇਂ ਇਹ ਜੀਣਗੀਆਂ ਇਸ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਬਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ मैं कैप्टन साहब नूं इह बेनती करदी हां मैं पहले भी किया अगर तुसीं अपने आप नूं इक सिंह कहांदे हो सिख कहांदे हो जे तुहाडे विच सिखी सिपरट कुछ माड़ी जी भी हैगी आ फिर तुसीं इह सोचो भई उदों साडियां धीआं भैणां नाल किवें होया साडे बच्चे किवें मरे साडे भैण भरा किवें मरे ते किवें असीं लुटे पुटे इत्थे आए ते किवें बसें अज उहनां सरदारां दे नाल तुसीं ऐ ना करो एक चीज़ होर मैं तुहाडे इस चैनल दे माध्यम दे नाल मैं सारे ही सिख भाईचारे नूं जिथे भी बैठे आ कोई हिंदुस्तान के किड़े कोने ते भी बैठे हुए हैं सिख जथेबंदियों धार्मिक संस्थावां सारियां नूं हाथ जोड़ के मैं अपील करती हाँ कि अज जो संकट 34 साल बाद इन्हां लोगों नूं उजाड़न वास्ते शुरू किया सरदार कैप्टन सरकार ने इन्हां लोगों के नाल खड़े हो इन्हां दे मोंढे दे नाल मोंढा ला के चलो इन्हां दी मदद करो इन्हां दे संघर्ष में हर थां ते नाल खड़ के इन्हां दी मदद करके इन्हां दे रैड कार्ड बहाल करो मैं गुरदीप कौर प्रधान इस्त्री विंग 1984 सिख कतलेआम वेलफेयर सोसाइटी पंजाब दिल्ली तो असी आए हैं साडा रैड कार्ड बनिया सी असी अजे तक दुकाना तो सैट नहीं होए साडिया दुकाना कारोबार अजे सैट नहीं होया जो कि साडा दिल्ली सी नवी दिल्ली स्टेशन के सामने दुकान सी जिहड़ी कि 51,000 च मैं वेच के आया अज कई करोड़ों की है पर इन सरकार ने सानू एक लाल कार्ड बना के दिता सी 2 लाख दिता सी हुण अज दी तरीक च वो भी वह कहिंदे ने कि वापस करो दुकान वापस करो तो लाल कार्ड जमा कराओ
असं ये कहने अगर तुम ये सब कुछ लैना तो सानू जहर दे दौ ताकि असं मर के अपना जीवन सफला करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। जी अज इन्होंने जो मेरा पति उत्थे से कपड़े दुकान करते सन फेरी उन्होंने उत्थे ही लुट मार करके मारिया कुटिया बहुत उन्होंने उस सदमे फिर इतने असं किसी तरीके आ गए इतने आए हाँ तो वह दो ए पूरे हो गए 18 साल हो गए ने उठे नहीं मंजी तो वरत के और हूँ जो 2001 मैं कार्ड बनवा के दिता गया मैनू तो पता नहीं ना मैं पढ़ी लिखी हाँ ना मैं कुछ जाननी हाँ बनवा के दिता गया हूँ बनवा के देने तो बाद हूँ आ देने कि जी तुम वापस करो 2 लाख कल चिट्ठी परसों आ गई है कि 2 लाख रुपया तो नाले तुम रेड कार्ड आके जमा करो दसो मेरे सिर पर छत नहीं मेरे को आदमी नहीं मेरे सिर पर मेरा एक बेटा कमान वाला वो ही असं गुजारा माँ पुत्र रोटी खाने किराया दे के रहने पे कुछ नहीं मिले खाली वो 2 लाख जरा सहूलत मिली उस तो बाद कुछ नहीं मनु डीसी वालों चिट्ठी आई है अच्छा जी। परसों चिट्ठी आई है कि आके 2 लाख रुपया जमा करो नाले रेड कार्ड डीसी साहब ने तुम मिले हो गलबात की थी पहले गए से एक दो बारी अच्छा जी सारी कागज भी दिते ने उठे लिख के लेकिन कोई सुनवाई नहीं है चौं पासे नाम की मेरा सुरजीत कौर।